ये सर कलरेज जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन जीएम सोयामील का आयात करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। 5.5 लाख टन पोल्ट्री उद्योग को मंजूरी दी गई है जो पिछले साल की बची हुई थी। कर्नल जी अब देख रहे हैं कि सोयाबीन की बुआई का सीजन भी नज़दीक है और अब ऐसे में जब किसानों को अब जाकर कुछ भाव सुधर कर मिलने शुरू हुए हैं तब इस दौरान आयात की मंजूरी दे देना, और इसका लेकिन सोपा ने विरोध भी किया है और सोपा ने यह भी कहा है सरकार से अपने पत्र में कि जब सरकार जीएम मॉडिफाइड उत्पाद की खेती ही नहीं करने देती, अलाउड ही नहीं करती, तो इसका जो खल है उसका इंपोर्ट करके क्या फायदा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो बिल्कुल स्पष्ट इसके रूप में अपना मत देना चाहूंगा कि आपको याद होगा जो पिछली बार जब सरकार ने सोयाबीन के वायदे पर रोक लगाई थी और रिफाइंड तेल के वायदे पर रोक लगाई थी आयात की अनुमति, उस वक्त भी हमने यही कहा था देखिए कि आयात की अनुमति देना ये एक परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं है, क्योंकि भारत देश लगभग 60% के आसपास का खाद्य तेलों का आयात करता है। जब खाद्य तेलों का आपका जितनी आपकी पैदावार है उससे अधिक आप आयात करते हो, तो ऐसी दशा के अंदर आपको पहला आपका ये होना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ी राशि, छोटी मोटी राशि देखिए यदि आप नॉमिनेट करते हो तो वो उठ के मुंह में जीरा होगी। सबसे पहले उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, और उत्पादन बढ़ाने के लिए खाली प्रयास या उसके अंदर पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। यदि किसानों को सोयाबीन के दाम अच्छे मिलेंगे तो किसान निश्चित माने कि वो अपना पैदावार बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे, और उसमें यदि सरकार थोड़ा सा तकनीकी रूप से उनको पैसा प्रोत्साहन दे दे तो निश्चित रूप से किसान इसके ऊपर टूट के पड़ेंगे, इसमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब किसानों को पैसा मिलने का समय होता है उस वक्त यदि आयात खुलता है या इंपोर्ट ड्यूटी घटती है या हटाई जाती है तो उसका असर किसानों की आमदनी पे पड़ता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब, लेकिन उसके अंदर दूसरा बिंदु ये भी है कि जब खाद्य तेलों के दाम आकाश छुएंगे और आम उपभोक्ता को उसके लिए परेशानियां होगी, ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के पास कोई चारा नहीं रहता कि है ना उसके अंदर वो कुछ ऐसे रोक लगाए। लेकिन होता यह है कि सरकार के प्रयासों का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलता, जो खाद्य तेल के जो रियल उपभोक्ता है, जो आम आप और हम जैसे लोग हैं जो खरीदते हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिलता। और ये होता है कि एमआरपी के जो दाम हैं वो जब सोयाबीन के दाम घटते हैं तो उस घटे हुए दाम के अनुरूप जो खाद्य तेल है उनके दाम नहीं घटते, और नहीं घटने की वजह यह है कि महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका आरबीआई गवर्नर ने भी कल इस चीज का खुलासा किया था और 40 बेसिक पॉइंट उन्होंने जो बढ़ोतरी की है सीआरआर में वो इसी वजह से की है। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा यही सजेशन रहेगा आपके माध्यम से सरकार को भी और सोया उत्पादकों को भी कि इसमें बहुत बड़ी संभावना है, हमारा देश बहुत विशाल देश है, हमारे पास उपजाऊ मिट्टी है, मीठा पानी है, इसमें किसानों को जब तक अच्छा लाभ नहीं मिलेगा वो किसी भी कीमत में उसकी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे। अभी आप देखिए सरसों के अंदर आप 85 लाख 90 लाख टन के मुकाबले 110 लाख टन 115 लाख टन की बात हो रही है, लेकिन किसानों को यदि उसका दाम नहीं मिला बढ़ावा, फरवरी के महीने में सरसों 8500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी, आज सरसों उससे भी काफी कम भावों में बिक रही है, जब किसानों को लाभ नहीं मिलेगा तो वो रुचि नहीं लेंगे, और ये नतीजा आपने देख लिया है जीरे में, ये नतीजा आपने देख लिया है गवार सीड में, ये सारे नतीजे आपने देख लिए हैं। तो सीधी चीज है कि किसानों को उसका लाभ दें, सब्सिडी दें, जो फायदा आप बाहर दे रहे हो उनको दें, तो धीरे धीरे हमारा आयात का बिल भी कम होगा, हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी, किसानों की आय भी दुगनी तिगनी होगी, तो निश्चित रूप से भारत खुशहाल होगा, यही मेरा कहना है। और खाली डीओसी आयात करने से या उससे करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितनी कटौती आप करोगे उससे ज्यादा जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वहां पर उतना ही दाम वो एडजस्ट कर देंगे, तो वही ढाक के तीन पात कि आप सारी रात चले लेकिन चले मुश्किल से आधा कोस, तो वही ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर परेशानियां हैं,
और उसका असर पाम ऑयल पे पड़ रहा है। पाम ऑयल बहुत प्रमुख खाद्य तेलों में से एक है, उसका असर सोया पे और बाकी ऑयल चीज पे पड़ने की पूरी संभावना है, ये मेरा कहना है। जी अखिलेश जी। जी कनेर जी,